सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेनो हिंदी डिक्टेशन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 45 शब्द प्रति मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यह भी सुझाव दिया गया है कि पिछले वित्त आयोग के राज्यों की टैक्स आमदनी में हिस्सेदारी बढ़ाने के कदम की समीक्षा की जाए। आरोप यह है कि इस वृद्धि के कारण केंद्र सरकार के पास संसाधन घट गए हैं, जिसके कारण उसे अपने न्यू इंडिया 2022 के लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो गया है। इसीलिए वित्त आयोग के जरिए केंद्रीय योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों के कर हस्तांतरण को कम करने की ओर इशारा किया जा रहा है। इस तर्क के साथ तीन प्रकार की समस्याएं हैं। एक, कर हस्तांतरण राज्यों का संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार का इस आवंटन को कम करने का कोई भी प्रयास संविधान की संघीय भावना का उल्लंघन कहा जा सकता है। कर हस्तांतरण से प्राप्त राजस्व को राज्य सरकारें अपनी सोच समझ और प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बिहार सरकार यह तय कर सकती है कि प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाए, जबकि केरल सरकार तय कर सकती है कि इस आय को रोजगार वृद्धि के लिए उपयोग किया जाए। अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों के अनुसार उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। इन आवश्यकताओं के
मद्देनजर ही राज्य सरकारें अपने फैसले करती हैं। इस राजस्व श्रेणी को कम करने से राज्य अधिकाधिक केंद्रीय योजनाओं को लागू करने वाले एजेंट मात्र रह जाएंगे। दूसरा, केंद्र सरकार का राज्यों के विषयों में हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। 14वें वित्त आयोग के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य सूची पर केंद्र सरकार का खर्च 2002-2005 में 14% था, जो 2005-2011 में बढ़कर 20% हो गया, और इसी समय में समवर्ती सूची पर खर्च 13% था, जो 2005-11 के दौरान 17% के स्तर पर आ गया। अगर केंद्र सरकार को संसाधन जुटाने में परेशानी हो रही है तो उसे राज्यों के दायरे में आने वाले विषयों पर अपने खर्च को सीमित करने पर विचार करना चाहिए। तीसरी बात, यह गलत खबर फैलाई जा रही है कि 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण में एकाएक राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% करके केंद्र सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। वास्तविकता यह है कि 14वें वित्त आयोग ने योजना और गैर योजना व्यय दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा था और सही मायनों में वृद्धि 39% से 42% की हुई है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अब अगर यह 3% की कमी केंद्र सरकार के परेशानियों का सबब बन सकती है तो केंद्र सरकार की वित्तीय नीति पर इससे बड़ा सवालिया निशान नहीं हो सकता। ऐसे में जरूरत इस बात की है
कि राज्य सरकारें अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए अपनी चिंताएं वित्त आयोग में दर्ज कराएं। स्टॉप दोस्तों, डिक्टेशन प्रैक्टिस लगातार करते रहिए जिससे आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।